हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो हमारी जिंदगी में थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, लेकिन फिर भी सोचें कि बातचीत तो किया जाए। ठीक है, ये तो जरूरी चीज है, जीवन चलता ही रहता है। अभी बहुत बड़ा जो है ना कुछ हुआ है, लेकिन हम भी बीवी जो है बोलिए बाद में बताएंगे आराम से, जब सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो अभी हम लोग होली का तैयारी कर रहे हैं। अभी नहीं बताएंगे, जब जीवन स्टेबल हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से गाड़ी पटरी पे चलने लगा। होता है ना जीवन, हर चीज ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना एक जगह नहीं कर सकते। तो हमारे पर्सनल लाइफ में उथल पुथल हुआ है, प्रोफेशनल चल रहा है, किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए वीडियो तो नहीं रोक सकते, हमारा जो काम है तो वो जॉब तो करना ही पड़ेगा ना। और नहीं कहता है, हंसते हंसते कट जाए रसते, वो शांत शांत शांत। तो अभी जो है होलिका और होलिका दहन जो है ना, ये हम लोग मनाएंगे ताकि जीवन में जो है ना खुशियां बनी रहें, क्योंकि ऋषित बाबू जो है बोल रहे हैं कि तो मनाना ही मनाना उसको है, ना कितना हम कल से समझा रहे हैं ऋषित, कि तो इस बार जो है स्किप कर देते स्किप कर हैं देते नहीं। तो नहीं, तो हम लोग मनाएंगे। ठीक है, तो होली और होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई सबों को। ठीक है, आप सबको होली और होलिका दहन की ढेर सारी बधाई। और दुआ कीजिए कि हमारे लाइफ में ना, प्रे कीजिए कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आए वो सॉल्व हो जाए जल्दी से। हम शेयर चलो करेंगे, अभी समय गुजरने देते हैं, उसके बाद जरूर शेयर करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे। और करना तो हम इस बार बहुत कुछ चाह रहे थे, होली में बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला था, बट ठीक है, होगा, कौन है, दिवाली होगा। दिवाली होगा। हमने बहुत सारे सामान मंगाए थे, उसमें से चलिए ना कुछ कुछ सामान छांट दिए हैं जो अब इस साल यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर मैं जाता करेंगे। हूँ काम करने। ठीक है, आप बाकी कंटिन्यू कीजिए, बाकी और मिलेंगे आप सब, लोग से फिर जल्दी ही। हाँ, शाम में कचरी वरी बनाया जाएगा, हाँ खाइएगा ना। हाँ हाँ एकदम सही। तो चलिए, सामान आया है वो शेयर करते हैं कि क्या क्या मंगाए हैं। उसमें से बहुत सामान ना सोचे हैं यूज नहीं होगा, इस साल नहीं करेंगे, तो उसको सोच रहे हैं रिटर्न कर दें। बाकी थोड़ा बहुत जो है वो लाए हैं वो दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं, क्योंकि सब कुछ ना पहले से प्लान था, सब कुछ प्लान हो चुका है और सारा सामान आ चुका है। हाँ, मतलब तैयारी पूरा ऑलमोस्ट के लिए तो हो चुका है। बेटा को बहुत समझाए कि ऋषित नहीं करते हैं, नहीं उसे, मतलब क्या होता है ना, अपने आप को समझा लोगे, अपने बच्चे को नहीं समझा सकते ना। हम दोनों चलो समझ भी ले, बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और उसको ना, और सबसे बड़ी बात है, छुट्टी अभी है, होली और ये छुट्टी एक साथ पड़ा है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना बनता है ना। तो चलिए दिखाते हैं सामान क्या क्या लेके आए हैं। और पहले, सबसे पहले झाजी के लिए चाय चढ़ा देते हैं, उनको चाय पीना है, कितना देर से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा है। और भाई मेरा जॉब है तो उसको भी तो करना है ना, इतना मुश्किल से, लेकिन संभाल रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में जरूर शेयर करेंगे। चलिए हंसते हंसते, चलिए आप सबको हैप्पी होली, हैप्पी होलिका दहन, और काम स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं क्या लेके आए हैं। और वीडियो में बने रहिएगा एंड। तो चलिए, यहाँ पे होली का ना इतना सामान मंगाया था, देख रहे हैं, अभी तक निकालने का टाइम नहीं हुआ, अब कब निकालेंगे। तो सोचिए अभी निकाल के ना सब रख देते हैं कि ताकि ना कल पूरा बिछा सके। बस आया था तो खोल के बस देख लिए थे कि सारा सामान है ना, बट निकाले नहीं थे। तो चलिए क्या क्या मंगाए वो तो देख लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए प्लेट है, ये कितना 50 पीस का सेट है ना, हाँ लिखा हुआ है क्या, नहीं यहाँ 50 पीस देख रहे हैं। ये प्लेट मंगाए हैं, फर्स्ट टाइम मंगाए हैं, यहाँ से देखते हैं, साइज तो ठीक ही लग रहा है, अब क्वालिटी पता नहीं कैसा है, समझे, तो देखना पड़ेगा, बाद में खोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हमको लगा सब टाइम पे आएगा कि नहीं, लेकिन आ गया सब टाइम पे, निकल गया भाई। चलिए ये हमको बहुत सुंदर लगा था, बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखे, ये पूरा खानी 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 है, देखे बड़ा वो बना हुआ है। और इसमें या तो आप ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए यूज में, हाँ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, अबीर वगैरह रखने, तो हम सोचे अबीर रखेंगे इसमें। कैसा लग रहा है ये देख रहे हैं, और कचकारा है, तो हमको बहुत प्यारा लगा कि अबीर ना हमको कटोरी में निकालना पड़ता है ऐसे बाउल में, तो सोचिए ये रहेगा ना तो इसमें मस्त निकाल देंगे, अच्छा लग रहा था। इसमें ना 3 कलर था, ब्लैक था, ग्रीन था, वाइट था,
हमको सबसे अच्छा ना यही ब्लैक वाला लग रहा था, ये सुंदर लग रहा था। चलिए फटाफट बहुत सारा काम अभी करना है, समझे। कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि सबको खोले, और एक और मंगाए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते, इसमें भी कलर रख सकते अभी वगैरह, लेकिन देखते हैं किसमें रखेंगे उसे दिखाएंगे। ये देख रहे हैं, ये तो प्लास्टिक है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, हमको लगा नहीं था कि इतना प्यारा आएगा, लेकिन बहुत सुंदर है यार ये। सबको एक जगह रखते जाते रहे तो कल यूज होगा लोग, और क्या था। और ये यूजफुल सामान मिल रहा है, किचन में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है लीड रखने के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, ये कलछुल रखेंगे जो सब्जी लाने के बाद रखने के लिए, और लीड को इस पे अटकाने के लिए, इसमें अटक जाएगा मस्त, तो दिखाते हैं कैसे अटके इसको, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे कलछुल लग सकते हैं, कुछ भी सब्जी लाने के बाद यहाँ पे अटका सकते हैं। तो ये बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि ये मेरे को लेना है, देखिए ये मंगाए हैं, क्योंकि काउंटर पे रखते हैं ना, नीचे रखा जाता है कभी कभी, या फिर उसके लिए स्पेशल प्लेट निकालना पड़ता है। प्लस एक ये रिमोट का कवर, ये अपना मोबाइल का एक स्टैंड लेके मंगवाए हैं। मेन जो था ना, ये था मेरा बोलने का एक ही, हाँ एक ये भी है, ये खाना गर्म बर्तन रखने के लिए है, गर्म बर्तन के लिए ना चाहिए था, पुराना वाला ना खराब हो गया था, ये मंगवाए हैं। ये देखिए, ये बोला है 240 डिग्री तक गर्म इस पे रख सकते हैं, जा सकता है अंदर ओवन में भी, कुछ नहीं होगा इसको। चलिए ये भी हमको जरूरी था, क्योंकि हम लोग ना डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, नीचे खाना खाते हैं, इसीलिए ये वाला चाहिए था हमें। ये मंगाए हैं, ये आपको लग रहा है ना कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, देखते हैं नाप के होता भी है कि नहीं। ये देखिए इधर है, मस्ट वाटरप्रूफ कपड़ा है, ये टेबल के लिए लेके आए हैं, बाहर टेबल के लिए जिसपे कलर रखेंगे, और एक अंदर के लिए लेके आए हैं। तो इसको लगा के देखते हैं, अगर नहीं फिट हुआ तो फिर रिटर्न करेंगे। पहले इसको ना पूरा नहीं खोलते हैं, पहले आप लोग को दिखा देते एक और पीस है, उसके बाद फिर लगा के देखेंगे, नहीं होगा तो जैसे पैक है वैसे ही पैक करके ना रख देंगे। इसका कितने में दिया था याद भी नहीं है, कुछ ना कम में दे रहा था उस समय को, 7-8 यूरो के आसपास दे रहा था, समझे। हमको जब आया ना तो लगा एक कपड़ा है, लेकिन कपड़ा नहीं, अंदर में जो वाटर प्रूफ मस्त है, ये देखें। और इसका एक और पीस मंगाए हैं, क्योंकि हर टेबल पे ना हम कवर बिछा के रखते हैं, ग्लास का है ना, तो ये लोग क्या करता है जोर से ना कभी ग्लास रख देगा, कभी कुछ रख देगा, तो हमको फूटने का बहुत डर लगता है। हम ना कभी कभी कोई फेस्टिवल होता है ना दिवाली, तभी कवर हटाते हैं, अदरवाइज कवर नहीं हटाते, इसको बिछाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। और एक ये है, दोनों का साइज ना अंदाजे लिए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये लिए हैं बाहर के लिए, इस पे ना वाइट टेबल है हमारा बाहर, और उस पर कहीं कलर, ये अभी कलर वगैरह गिरता है ना तो क्लीन नहीं होता है, फिर इसको लेके आए हैं, देखते। अच्छा हाँ, ये था ना, ये देखो, ये इलास्टिक दिया हुआ है चारों कॉर्नर में, इसीलिए हमको ये अच्छा लगा था, चारों कॉर्नर को ना मस्त पकड़ लेगा। देखते हैं, ये यहाँ बिच गया तो ओके है, वहाँ बिच गया वो टेबल पे हो गया तो ओके है, दोनों टेबल पे बस होना चाहिए, समझे। नहीं तो ये भी अराउंड ना वही था, 5-7, 5-7 के बिटवीन में ही था। ये सारा सामान हमारा होली का है, चलिए ये सब तो चलिए निकल गया अब कल के लिए, और आज शाम में क्या बनेगा वो दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, ये है अरबी का पत्ता, समझे, देखे हैं यहाँ पे अरबी का पत्ता, बताइए तो कौन कौन देखा है यहाँ पे जर्मनी में अरबी का पत्ता। तो अभी मेरे घर में बनेगा अरबी के पत्ता का पकौड़ा, उसके बाद प्याज का पकौड़ा बनेगा, चावल दाल, और सोचे कढ़ी बनाने का, कढ़ी बनाते हैं कि नहीं पता नहीं, चावल दाल तो बनाएंगे, और सब्जी एक भुंजिया, और प्याज का पकौड़ा बनेगा, अरबी का पत्ता का पकौड़ा बनाएंगे, प्लस और बैगन का, भिंडी का, जो मेरा फेवरेट है भिंडी,
उसका भी पकौड़ा बनेगा। तो अभी ये देख रहे हैं, ये निकाल के रखे हैं, इसका कटिंग चॉपिंग करना है। प्लस थोड़ा सा किचन दिन में मेसी मेसी था, काम करते करते इतना टाइम। वो जिया जी बोले सारा सामान निकाल दो, निकाले भी कब, तो अभी सबको निकाले हैं समझे। तो पहले अरबी का पत्ता का कैसे बनाते हैं आप लोग बताइएगा। पकौड़ा बनता है, हम लोग तो बेसन में लपेट के फिर उसको रोल करके बनाते हैं। बहुत लोग इसको कट करके बनाते हैं, तो हम सोचे इतना नहीं बनाएंगे, हाफ को कट करके रख देते हैं, हाफ को रोल करके बनाएंगे। चलिए काम पे लगते हैं, बस बहुत काम हो जाता है होली होली में, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है समझे। रिशित को बोले रिशित छोड़ देते हैं होली, बहुत काम होता है। नहीं, रोने लगा बच्चा मेरा, नहीं नहीं उसको चाहिए होली होना चाहिए, कुछ भी हो होली होना चाहिए समझे। बच्चा को मना करना ना बड़ा मुश्किल होता है भाई, कोई भी चीज ना बच्चा को आप नहीं मना समझा सकते, अपने आप को तो समझा लेंगे, बच्चा को कैसे समझाएं। तो चलिए बस यही है, काम करते हैं और हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, और होली का भी ब्लॉग देखिएगा, जैसे जो होगा वो सब शूट करेंगे। तो चलिए लगाते हैं इस टेबल पे, देखते हैं कैसा होता, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं खा अगर सब्जी उब्जी गिरा तो कैसा हटेगा कि नहीं। लग तो रहा है वाटरप्रूफ है, पानी से पूछा जाएगा, लेकिन हल्दी का दाग तो बहुत खतरनाक होता है ना, देखते हैं कैसा रहता है। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम छोटा था हमको लगा, एकदम टाइट फिट हो गया एकदम, ये देखते हैं। और इसमें दिया ये भी, अगर बांधने का मन है तो बांधिए, नहीं तो अंदर कर दीजिए। कंचन के हाथों से बन रहा है पकौड़ा, देख खराब होगा, अच्छा होगा तो हम बनाए, खराब होगा तो तू बनाए। ऐसे पापा भी बोलते हैं कि अच्छा हुआ तो मैं, खराब हुआ तो तू, कुछ गलती की तो तू और अच्छा हुआ तो मैं। स्वागत है हमारे ब्लॉग में। थैंक यू दीदी मुझे अपने ब्लॉग में लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हो गई है ना, देखे तो कंचन तेरा लुक। हाँ ये देखिए नवी नवेली दुल्हन को क्या मस्त लग रही है। दस साल हो गया कंचन के हाथों से पकौड़ा का स्वाद, हाय हाय। और उधर भी चल रहा है ये देखो, उधर हमारा इधर भी चल रहा है, वाह वाह। हम लोग चारों तरफ कैमरा के निगरानी में, कैमरा से गिरे हुए हैं। कितना लाइन से लगा के दिया, हम तो इधर उधर बिगड़ा देते है जगह घेते, इसीलिए तो हम बड़ा वाला में दे रहे हैं इसमें, क्योंकि छोटा वाला में बहुत टाइम लगता है। हैप्पी होली का दान, हैप्पी होली का दान सबको। हमारे यहाँ पधारे हैं राकेश जी, कंचन जी, या दो चुन्नी मुन्नी है, एक मुन्ना है एक चुन्नी है। तो यहाँ पे होलिका दहन पे क्या क्या बनाया है कंचन ने, बनाया है पूरा धमाकेदार कचरी या नहीं, नहीं कंचन जी ने खिचड़ी बनाया है स्पेशल। होली स्पेशल खिचड़ी, खिचड़ी बनाई होली है, होली बुरा नहीं मानो, खिचड़ी खाएंगे। हैप्पी होलिका दहन, चलिए फटाफट खाइए, उसके बाद आगे का कार्य, आगे का कार्यक्रम जारी रखते हैं। आज लगाएंगे उसके चारों तरफ, हम लोग जो है झिंगालाला हु करेंगे, सब मिलकर एकदम अंदर कर रहे झिंगालाला हु। तो होलिका दहन का जो है पूरा तैयारी हो गया है, खोल दिया होगा। स्मिता मैडम को देख सकते हैं, दो दो मोबाइल से बेचारी जो है ना अभी मोबाइल वाली मोबाइल बाज हो गई है, मोबाइल ही मोबाइल ये दिखा रही है दुनिया को।
मेरा भी वीडियो आप ले रहे हैं, क्या बात है जान। ओ हो क्रॉस रेफरेंसिंग हो रहा है, गजब गजब। आप सब में आ रहे हैं। ये देखिए राकेश बाबू जिंदाबाद। अब राकेश बाबू जिंदाबाद से याद है, हमारे यहाँ गेकुर जी काम करते थे, गेकुर जी नाम था। तो पाठ वाठ करके हमको बोलते थे थोड़ा गुड़ लेके आइए राकेश बाबू, मेरे को राकेश बाबू बोलते थे। तो हम जाके माँ से झगड़ वगड़ के गुड़ लाके देते थे, गुड़ से प्रसाद बना के बांटते थे। उसके बाद अनाउंसमेंट करते थे, राकेट बाबू की जय। राकेश बाबू, राकेट बाबू जिंदाबाद, तेरा नाम आसे राकेट बाबू। राकेट बाबू, तूने दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है ये कहानी सुना के, तेरा नाम आसे राकेट बाबू। हमारे आहुति के लिए मुरही, राइस फ्लैग, होलिका जी के, होलिका जी के दहन के लिए, होलिका दहन के शुभ मौके पे ये मुरही आया है। कितने डालते दीदी? तीन तीन बार डाल देंगे, तीन बार, पांच बार, तीन बार, तीन बार, ठीक है, तीन बार बहुत है ना। चलिए तो हम लोग जो है राउंड करेंगे, चलिए रिसेट आ जाओ। बुराई का नाश हो, अच्छाई की जीत हो, धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, बुराई अधर्म की, अधर्म का नाश हो, धर्म की जीत हो, रिसेट इधर, धर्म अधर्म की नाश, धर्म की जीत, हमको दे दो, अधर्म का नाश, धर्म की जीत। बाप रे बाप, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, इसी तरह आप लोगों की दोस्ती इसी तरह रहे, हमेशा रहेगी। कल हम लोग एक नंबर होली मनाएंगे, जिसमें कंचन जी अभी देख लो भाई, जितना देखना है, कल वो दिखाई नहीं देंगी। दिखाई देंगी तो पहचान में नहीं आएंगी वो।